एवरीवन इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग HDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं पुष्पा 2 का ट्रेलर। पुष्पा 1 थी कमाल की मूवी थी, सस्पेंस वाली थी, ड्रामा था, एक्शन था, रोमांस था, हर चीज़ थी। साउथ की थी तो परफेक्ट क्यों ना हो। तो पुष्पा 1 देखी थी और लास्ट में आके हम सब इंतज़ार में थे कि आगे क्या हुआ। ठीक है, जैसे जिस तरह का एक क्रेज़ आया था ना बाहुबली का, आगे क्या हुआ, क्यों मारा कटप्पा ने बाहुबली को, तो यही सीन है पुष्पा का। सारे इंतज़ार में बैठे, KGF की तरह बिल्कुल इंतज़ार में। तो देखते हैं जनाब, टी सीरीज़ की तरफ से ये ट्रेलर तो आ गई है, टी सीरीज़ ही है ना शायद। तो पुष्पा 2 द राइज राइज नहीं द रूल, तो हिंदी में ट्रेलर है जी, देखते हैं। होप्स हो कि ये ब्लॉक नहीं होगा। शुरू करते हैं 3, 2, 1। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। सस्पेंस। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। सर्च टीम ने ढूंढ निकाली। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं पब्लिक तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हैं। हनामया सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए हैं। 8 गोलियां लगी है, किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है। पुलिस की पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था, पर तुम्हारा माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? लोगों की मदद की, लोग इसलिए बाहर आए। बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया। भगत आई, अब ये ठीक है। बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पता है पुष्पा ने ही हमारी लिए नॉर्मली ऐसे ही होता है। वो आम गरीबों को खाना खिलाता था। जो हुकूमत की नजर में गलत होता है वो आवाम की नजर में ही होता है। गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं। ये देखो, एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुष्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं, उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओए। ओके, शेर चाचू साहब आए हैं। टाइगर है, टाइगर। और ये दूसरा टाइगर आ गया। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा पुष्पा है। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। ओए होए होए होए, झुकेगा नहीं। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है नाना। क्रेज चेक करो भाई। अब रोल पुष्पा का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे मैं पता नहीं क्या देख रहा हूँ, और मज़ा आ गया देख के। सीरियसली बहुत मज़ा आ गया। ये हिट है, हिट से भी ऊपर है, ये हिट है। मैं कहता हूँ बस बॉलीवुड वाले ने इसका कोई सस्ता कॉपी ना बनाए, तो ये कमाल का मूवी है और मज़ा आ गया देख के। टू गुड, शुरू से लेके एंड तक नज़र नहीं हट पा रही थी स्क्रीन पे से, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी, आगे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे क्या होगा। और यही मूवी की जान होती है, जब आप प्रिडिक्ट ना कर पाएँ कि आगे क्या होगा। तो पुष्पा वापस आ रहे जी, ज़रूर देखेंगे, ये तो देखना ही पड़ेगा। अब हमारे यहाँ तो सिनेमाज में तो लगेगी नहीं फिल्म ये, क्योंकि आपको पता है हमारी हुकूमत और उसके रोने। ठीक है, तो हम
करते हैं, अगर नेटफ्लिक्स पे या किसी OTT प्लेटफॉर्म पे हुई तो वहाँ से देखेंगे, नहीं तो फिर यही है टोरेंट जिंदाबाद। ठीक है, देखनी तो है फिल्म यार। देखो अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं जनाब ये पायरेसी है, ये है वो है, क्या करें, फिर एक ही हल बचता है ना। लेकिन कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे इसको देखने की, पूरी कोशिश करेंगे, बड़ा मज़ा आ गया। मैं तो फुल इस वक्त सस्पेंस में बैठा हूँ आगे क्या हुआ। तो आप बताएं आपका क्या सीन है, मेरी तरह एक्साइटेड हैं या फिर एक्साइटमेंट लो है? मुझे तो लगता है सारे एक्साइटेड होंगे। कमेंट सेक्शन हाजिर है जी, बताइएगा। हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइज़।